हेलो एवरीवन, दिस इज मी साफिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा जब आपका पर्सन आपके पास वापस आए तो क्या आप उसको आप क्या आपको उसको चांस देना चाहिए, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, साथ में ओरेकल कार्ड्स ऐड कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सर तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपको इस बार उस इंसान को चांस देना चाहिए, हाँ या ना। वी डोंट हैव द हाई प्रिस्टेस एंड फोर सोल्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत कंफर्म है कि आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि आपको इसे चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप उस मैसेज को सुनना नहीं चाह रहे हो, आप उस मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो मैसेज इसके फेवर में है इस पर्सन के, इस रिलेशनशिप के, या इसके अगेंस्ट है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से मेजॉरिटी लोगों को इस पर्सन को अपनी लाइफ में तब तक अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक ये पर्सन किसी सॉलिड कमिटमेंट के साथ नहीं आता। अगर आप ये अलाउ करते हो तब मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो पर्सन खुद ब खुद कमिटमेंट के साथ आएगा। सो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लग रहा है कि खुद आपके लिए होल्ड बैक करना पर्सन से और रिलेशनशिप को पर्सन को पुश करना इन अ वे जहाँ पर वो एक अभी आपका पर्सन शायद बहुत हैबिचुअल हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में आता है फिर चला जाता है फिर आता है फिर चला जाता है, तो आप उसे कहीं ना कहीं एक वो लिबर्टी दे रहे हो कि वो आपको बैडली ट्रीट करे। लेकिन अगर आप होल्ड बैक करोगे तो इस इंसान के पास एक ही चारा बचेगा, अगर ये आपको सच में चाहता है, सच में प्यार करता है और आपसे दूर नहीं रह सकता तो ये कमिटमेंट लेकर आएगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए खुद भी पेशेंट हो पाना या एक एक जैसे होता है ना कि अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करो, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो और पर्सन को वापस नहीं आने दो अनटिल अनलेस दे हैव समथिंग सॉलिड टू ऑफर, तो ये पर्सन सॉलिड टू ऑफर वाला लेकर कुछ आएगा आपके पास। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको इसको तब तक चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब अगर ऐसे ही आता रहेगा और ऐसे ही जाता रहेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल बना रहेगा। रिलेशनशिप में आपको खुशी की जगह स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी के साथ कुछ ऑफर करे तो उसके लिए आपको अपना पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा इस इंसान के साथ, और फिर आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे जाएगा। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, ये वापस आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में इसको बार बार एक्सेप्ट करते रहोगे तो ये ऐसे ही आता रहेगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर ये कमिटमेंट के साथ आएगा। सो अनटिल अनलेस कमिटमेंट के साथ आता है आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप आगे जाए। अगर नहीं चाहते हो देन इट्स योर कॉल, योर सिचुएशन। अनदर वे टू हैव द फूल, मुझे लगता है कि आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए नहीं करेगा। सो ये थी रीडिंग क्विक वाली, और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।